हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको सीटीईटी 2018 पेपर सेकंड के चाइल्ड डेवलपमेंट और पीडागोगी के क्वेश्चंस बताऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्व आंसर बताऊंगा इनके। आप इन क्वेश्चनों के पीडीएफ नोट्स मंगा सकते हैं, इसके लिए आपको मेरे नंबर 9411513974 पे व्हाट्सअप करना होगा। पीडीएफ नोट्स में आपको जो लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर हैं टीईटी के, CTET, UPTET और NCERT की बुक्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसमें मैं आपको फर्स्ट से लेकर 15 तक क्वेश्चन बताऊँगा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। फर्स्ट, एररलेस इंस्ट्रक्शन। पहला है त्रुटिहीन अनुदेशन। सेकंड, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। सेकंड है विभेदी अनुदेशन। थर्ड, सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन। थर्ड है चयनित अनुदेशन। फोर्थ, प्रिसीजन टीचिंग। फोर्थ पे है सटीक शिक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। टीचर लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये वीडियो जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से कैंडिडेट्स स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। फर्स्ट, जनरलाइजेशन। पहले पे सामान्यकरण। सेकंड पे एक्यूजिशन, अधिग्रहण। थर्ड पे मोटिवेशन, अभिप्रेरण। फोर्थ पे इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यकरण चरण का पूर्ववर्ती है। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू जनरलाइजेशन स्टेज ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। जनजोग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर डैश। फर्स्ट, इंटीग्रेटेड एकीकृत। सेकेंड, इंटरडिपेंडेंट अन्योन्याश्रित। थर्ड, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। फोर्थ, इंटर रिलेटेड अंतर संबंधित। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, स्वतंत्र। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। जनजोग बिलीव दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर फोर, अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। ही इज यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। फर्स्ट, मॉडलिंग। पहले पे प्रतिरूपण। सेकंड, इमिटेशन अनुकरण। थर्ड, ऑब्जर्वेशन अवलोकन। फोर्थ, करेक्शन संशोधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, प्रतिरूपण, मॉडलिंग। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। यह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंसेज ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क। ही इज यूजिंग मॉडलिंग मेथड ऑफ टीचिंग। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करूंगा। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप पीडीएफ नोट्स मंगाते हैं तो आपको 9411513974 पे व्हाट्सअप करना है अपने व्हाट्सअप नंबर से, और इसमें आपको जो सॉल्व पेपर है वो मिल जाएंगे और एनसीईआरटी की बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। पेपर में लगभग यही आते हैं, सॉल्व पेपर और एनसीईआरटी की बुक से पेपर, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पेपर आने वाले हैं सीटीईटी के, 7 जुलाई को पेपर है।
क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम। जैन मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं। लिस्ट द अल्टरनेटिव एंड वे ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। फर्स्ट ऑटोक्रेटिक निरंकुश, सेकंड सर्विलेंस चौकस, थर्ड विजिलेंट सतर्क, फोर्थ आउटगोइंग निवर्तमान। इसका जो सही आंसर है यह है थर्ड सतर्क। मैथ और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। इसका सही उत्तर है सतर्क। अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द अल्टरनेटिव्स एंड वे ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हिज बिहेवियर इफेक्ट्स विजिलेंट। क्वेश्चन नंबर 6, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवैल्यूएट्स द ट्रुथ और लाइक्लीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स। फर्स्ट लॉजिकल तार्किक, सेकंड क्रिएटिव सृजनात्मक, थर्ड एस्थेटिक सौंदर्य बोध, फोर्थ अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त। इसका सही आंसर है फर्स्ट तार्किक लॉजिकल। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कठिनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। इन लॉजिकल थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवैल्यूएट्स द ट्रुथ और लाइक्लीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल एंजॉयिंग देमसेल्फ्स इज नोन एज। फर्स्ट प्रॉब्लम टाइप्स आर टास्क, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, सेकंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क, ड्रिल और अभ्यास कार्य, थर्ड कंज्यूमर टाइप टास्क, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, फोर्थ प्रोड्यूसर टाइप टास्क, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। The task in which the children get experience while enjoying themselves is known as consumer type task. Question number 8. Multisensory approach in teaching learning is the simultaneous use of visual, auditory, tactile and dash senses to enhance learning. बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है गतिबोधक, काइनेस्थिक। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। मल्टीसेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड काइनेस्थिक सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पीडीएफ नोट्स मंगाने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरल्स और एक्सट्रीमिटीज डिनोट द। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरंगों की ओर का विकास दर्शाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कास्केड डेवलपमेंट, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमो डिजिटल डेवलपमेंट, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमो डिजिटल डेवलपमेंट। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरंगों की ओर विकास दर्शाता है मध्य विकास के सिद्धांतों को। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड पेरिफेरल्स और एक्सट्रीमिटीज डिनोट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्सीमो डिजिटल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां फर्स्ट स्कूल टीचर ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। सेकंड स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। थर्ड स्कूल रूटीन्स
ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। फोर्थ, स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूली बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशनल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन। इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 10 तक बताइए। जल्दी मैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो अपलोड कर दूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।